मिलता वो खा लेते हो यार तुम लोग, मतलब काला वाला जादू तो नहीं होता मेरे बिल्डिंग के ऊपर। न्यू व्लॉग गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। अगर नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, टाइम बुरा चल रहा है, आ जाएगा अच्छा टाइम भी। इसी मोटिवेशन के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको लोगों को बता दूं कि सबसे पहला झटका मुझे कल रात 12:07 को लगा। 12:07 पर ऐसा कुछ हो गया जो एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी एक्सपेक्टेड नहीं भी था, मतलब इतना लंबा। तो हुआ यूँ कि मैं 12 स्क्रॉल कर रहा था अपना न्यूज़ फीड्स वगैरह, तो वहाँ पे मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तेलंगाना में 29 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और ये सुन के हमारा उतना कुछ रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को मालूम था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 तक की बात चल रही थी 3 तक बढ़ाएंगे करेंगे, बट बढ़ाया नहीं 3 तक, बट 29 मई, मतलब वही 3-4 समझो ऊपर नीचे। सो ऐसा था, तो अबे यार परसों ही तो काटे थे यार बाल। सो गाइज, मैं आप लोग को ये बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा जो है इमोशनली वीक हो रहा हूँ घर पे बैठ के, और ये बाल मुझे सता रहे हैं। अबे यार, तो मैं आप लोग के साथ ये बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा जो है घर पे बैठ के थोड़ा सा इमोशनली वीक हो रहा हूँ, बाल मुझे आज शायद ब्लॉग बनाने नहीं देंगे, और मैं वैक्स भी नहीं लगाया और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ये बोल रहा था कि देखो, मैं भी थोड़ा सा इमोशनली वीक हो रहा हूँ, आप लोग में हो रहे होंगे, मतलब थोड़ी देर में गुस्सा हो रहा है, थोड़ी देर में अच्छे से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो कैसे तैसे करके 45th डे लॉकडाउन का, और अब 29th तक बढ़ गया है, तो अभी पता नहीं अभी क्या होने वाला है। बट घर पे मैं पक गया हूँ यार, मेरे को बहुत ज़ोर से ट्रैवल करने का भी मन कर रहा है, बट बाहर निकल ही नहीं सकते यार। तो सच बताऊँ तो मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा हो रहा है कि मैं कभी बाहर निकलूँ, मेरे को बाहर निकलना है बट निकल नहीं भी सकते। और मैं कुछ इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं घर पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, आई कांट स्टे एट होम फॉर लॉन्गर टाइम। लेकिन अभी किसी को ब्लेम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हम इंसानों से ही फैली है, मतलब इंसानों ने ही बनाई है, चाइना वालों, मतलब क्या क्या खाते हो यार तुम, मतलब ज़िंदगी में कुछ खा लो यार, हमारे ऐसा प्याज टमाटर खा लो यार, शाकाहारी बन लो, या तो चिकन खा लो या मटन खा लो यार, जो मिलता वो खा लेते हो यार तुम लोग, मतलब दारू के ठेके वेके खुल रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई दारू वारू पीता है तो मत पियो अभी इस सिचुएशन में, जान ज़्यादा प्यारी आई थिंक, तो दारू वारू थोड़ा साइड। हाँ भाई, चकना तैयार है, मारो मारो मारो। तो गाइज, मैं अभी टहल रहा था तो मेरे को एक अनजानी सी चीज़ दिखा, कील वगैरह मिली है भाई मेरे को, कील वगैरह, मतलब मेरे टेरेस पे काला वाला जादू होता है यहाँ पे। तो मैं ऊपर आया था, थोड़ा बहुत कुछ वर्कआउट हो जाए, कुछ वर्कआउट कर ले, क्योंकि मैं जो है एक हफ्ते भर से शायद से वर्कआउट करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा को ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन शायद ख़त्म होगा, बट ये लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक चल रहा है जब तक होम वर्कआउट करेंगे, उसके बाद में फिर जिम वगैरह तो शायद खुलेंगे, मतलब नहीं क्या होने वाला। पक गया हूँ भाई बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मैं ज़िंदगी में कभी पका नहीं हूँ जितना आज पक गया हूँ। देखो, मैं जब फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ ना, जब मैं कैमरा इसीलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है, होता है मेरे साथ ऐसा। जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि मैं 2-3 से व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ घर पे बैठ के, मतलब 4 में जब आप रहते हो ना भाई, ओ भाई साहब, इट्स मुश्किल भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे को घर के बाहर निकलना। आई नीड टू ट्रैवल अलॉट, मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हो गया हूँ अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं करना है क्या है। मतलब एक भाई तुम्हारे एडवाइस की यही है कि अगर आप भी व्लॉग कुछ बनाते हो, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कुछ प्रॉब्लम जैसा है, तो जब कैमरा मत उठाओ, क्योंकि आप कैमरे के सामने क्या बोल देते हो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था 2 से, कोशिश जारी थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, 2 से भी व्लॉग बनाने की कोशिश पूरी थी, लेकिन मैं व्लॉग
बना रहे टाइम पे मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ ऑडियंस को, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है कि एक दो दिन छोड़ते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाएंगे। तो आज मूड हुआ कि आज वीडियो बनाते हैं, सो आज ब्लॉग आएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ऊपर रह के व्लॉग बन सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, ये मेरे बालों का क्या हाल हो गया है भाई। बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस वेदर एंड आप लोग भी एंजॉय करो मेरे साथ। मज़ा आ गया डांस करके, बहुत दिन के बाद नाचे ऐसे ज़बरदस्त मज़ा आ गया, और इतनी बेहतरीन हवा, और एंजॉय करते रहना चाहिए यार। मतलब क्या मतलब दुखी प्राण बन के बैठोगे, एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी में। और हवा भाई साहब, जस्ट एंजॉयिंग दिस वेदर मैन, वाह। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोग को मेरा डांस कितना ज़्यादा पसंद आया, या कुछ आया भी नहीं भी आया, या कुछ बकवासा था, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ कैसा था, क्या था। एंड लुक एट द वेदर, I'm seeing shimmers in this lonely dream. फ्लैट में आप, ये वाले फ्लैट में आए क्यूट किड्स यार, क्यूट किड्स यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, ये वाले फ्लैट में आप, ये वाले फ्लैट में आए जब से मेरे को देख रहे हैं, मैं नाच रहा हूँ गा रहा हूँ अभी भी चिल्ला रहे हैं तो अभी चलो भाई, अभी मैं बात कर चुका हूँ उनसे, भैया भैया चीख रहे हैं, बट मैं थोड़ी सी शर्म आ रही हूँ मेरे को देखने में, पता नहीं क्यों, इसलिए आई थिंक अभी हवा भी बहुत ज़्यादा छोटी और बारिश के लक्षण लग रहे हैं, तो नीचे जाना बेहतर होगा। सो नीचे चल के आपसे बात करते हैं जो शक्ल देखी हो तो ये होता है लड़कियों का हाल जब मेकअप नहीं करते, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, हम इतने वर्सटाइल बने हैं ना, हम जैसे वैसे ही अच्छे लगते हैं। क्या होता है लड़कियों का, क्या चलता है, क्या नहीं, बिना मेकअप के कैमरा पे आने से डरते हैं यार, क्या है मतलब। तो यहाँ पे बैठते हैं हमारे कबूतर महाराज, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी मेरी टांकी जो है, पूरा इन्होंने प्रसाद दे रखा है पूरी टांकी पे, मतलब भाई हफ्ते भर पहले साफ किया भाई मैं, इतनी मुश्किल से भाई, शौचालय ढूंढ लो यार, थोड़ा सा ढूंढ लो यार। सोच ही रहा था कि आज आपको एक अच्छा डरावनी सी चीज थोड़ी सी है मेरे घर के पीछे, एक हवेली टाइप, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊं, बट यार बारिश शुरू हो गई तो मेरा पूरा मन था जो चीज़ आप लोग को दिखाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, अभी एक थोड़ी देर पहले, तो वो मेरे को बता रहा था, मतलब सडनली थोड़ा सा लो हो गया, लो के बस ये बोल रहा था कि थोड़ा फाइनेंशियल मुश्किल हो रही है, लॉकडाउन से थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब काम नहीं है, कुछ नहीं है। एंड वो जॉब करता है अभी, मतलब अभी उसका, मतलब उसकी एज नहीं है जॉब करने की, ही इज़ समथिंग अराउंड 19 एंड 20, और वो जॉब अभी कर रहा है, सो इट्स ठीक है, अब जॉब कर रहा है क्योंकि उसको थोड़ी बहुत मजबूरी है, बट अभी 2 महीना होने पे आ गया है और उसके पास पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियली मुश्किल हो रहा है। देखो उसी की बात नहीं है, मैं उसको बहुत समझाया कि भाई अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, हमारा भी बिज़नेस वगैरह भी कुछ काम पे नहीं चल रहा है, कुछ ठीक नहीं जा रहा है। तो वो भी मेरी व्लॉग्स देख रहा था, बोल रहा था कि भाई व्लॉग देख के, बस अभी तेरा व्लॉग ही देख रहा था तो व्लॉग बंद करके तेरे को फ़ोन किया, बस ऐसे ही बहुत दिनों के बाद कही। तो बात करते करते वो मेरे को इतना सब कुछ बोलता चला गया कि फाइनेंशियल ये चल रहा है, वो चलो भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, देखो बुरा वक्त है कट जाएगा, बस ये सोच के चलो, मैं भी यही सोच के चल रहा हूँ, अभी जैसा कट रहा है वैसा काट रहे हैं। देखो तेरी बात नहीं है या मेरी बात नहीं है, सब लोग जितने भी घर पे बंद है और जितनों के भी जॉब्स है, जितनों के भी बिजनेसेस है, और जिसकी बड़ी कंपनीज है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एक छोटा बिजनेस एक्वायर करते हो या छोटा बिजनेस चलाते हो
आपका कुछ ज़्यादा उतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ हम जा रहे हैं, बट परेशान मत होना गाइस, अगर आप लोग भी परेशान हो रहे हो इसी चीज़ को लेके कि लॉकडाउन चल रहा है क्या करें, कुछ करने को है नहीं, ये नहीं तो कुछ तो प्रोडक्टिव करने की चीज़ करो। अभी यही टाइम है, आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग। मतलब ये वेदर के साथ और मस्त गरम गरम कॉफ़ी आपको मिल जाए तो भाई क्या ही चाहिए और ज़िंदगी में। तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे को मम्मी को आज व्लॉग में आना ही चाहिए, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे 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 आ जाओ भैया, अरे मम्मी देखो भाई, मम्मी कैमरा को देख के शर्मा रही है, क्या बताया बताओ। तो गाइस मैं आप सब लोग को एक चीज़ बोलना भूल गया, एक मिनट, मैं आप सबको चीज़ बोलना भूल गया, मेरे को पहला मेरा डिसलाइक आ गया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को आए डिसलाइक आ डिसलाइक है, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक 9 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, 9 वीडियोस में से एक भी वीडियो को डिसलाइक नहीं आया, और ये मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी वीडियोज इतनी भी अच्छी कुछ है नहीं जो मेरे को हर वीडियो पर सिर्फ लाइक आ रहा डिसलाइक, तो एक डिसलाइक नहीं था, अच्छा लगा कि डिसलाइक आया, क्योंकि देखो हर चीज़ सब अच्छी जा रही हो ना तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मेरे को भी ऐसा ही लगा, हर एक वीडियो पे लाइक कम से कम 20 लाइक 25 लाइक मतलब डिसलाइक है ही नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा, मेरे को लग रहा था ये अपने ही लोग हैं ये जो अपनी ही वीडियो देख रहे हैं खाली और लाइक कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में आ गया था, बट जब एक डिसलाइक आया कल एक हो पाएगी अच्छा हाँ अभी वीडियोज़ जो है दूसरे लोग के पास पहुँच रही है, जो नए लोग हैं उनके पास पहुँच रही है, तो वहाँ से मेरे को मेरा पहला डिसलाइक आ गया। सो दिस वॉज इट गाइज, अगर मेरे को मालूम ये व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था और अगर बोरियत हो रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ नहीं कर सक रहा हूँ मैं भी, तो आप आई थिंक आप समझ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो ऑब्वियसली गिव मी अ थम्स अप, अगर पसंद आया होगा तो थोड़ा चैनल पे असर पड़ता है भाई थोड़ा सा, तो समझ लो भाई का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और देखते हैं बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, बाय 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 बाय।